हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज न्यू वैकेंसी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज ही वैकेंसी आई है। इसकी नोटिफिकेशन डेट आप देख सकते हो 5/12/18, मतलब आज 5 दिसंबर को इसका नोटिस आया है। आते ही 1 घंटे के अंदर आपको मैंने अपडेट दे दिए है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपडेट पूरी सुनिए। हाउ कैन अप्लाई, कितनी सीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले एक बात बता दूं, वीडियो सुनने से पहले आपने अभी नर्सिंग गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वैकेंसी को ऑल स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब राजस्थान से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, कांट बैटर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, ये वैकेंसी है झारखंड के अंदर, ठीक है। तो चलिए इसकी पूरी डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ तो ये इसका मोड रहेगा ऑफलाइन, सब भी उसके बाद में बात करते हैं। डिटेल और पोस्ट की बात करूँ तो जूनियर स्टाफ नर्स ट्रेनिंग की वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। नंबर और पोस्ट की बात करूँ तो 30 पोस्ट है, ठीक है। और पे स्केल एंड ग्रेड की बात करूँ तो S3 रेगुलर ग्रेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग पे स्केल रहेगा इसका, यानी कि S3 रेगुलर ग्रेड 16,800 से लेकर 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, 24,110 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। चलिए नेम और पोस्ट देख लेते हैं। जूनियर स्टाफ नर्स ट्रेनिंग की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 30 पोस्ट है, जनरल की 16 पोस्ट है, एससी की 3 पोस्ट है, और एसटी की 7+1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की ओनली 1 पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ पर्सन, रिजर्वेशन जैसे कि मैंने बताया कि एज का डोमिसियल अगर झारखंड से है तो ही आपको एज का रिलैक्सेशन 5 ईयर का मिलेगा, अदर देन नहीं मिलेगा, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। इसकी डेट होगी जो लास्ट में 26 होगी, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ये केवल डोमिसियल का है डेट, ठीक है। जो लास्ट क्लोजिंग डेट रहेगी वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए फुल टाइम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। फुल टाइम बीएससी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, फुल टाइम डिप्लोमा 3 ईयर ड्यूरेशन इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर इंटरमीडिएट 10+2 साइंस एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग ऑफ इंडिया स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड विद अ लिस्ट 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ए हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ठीक है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है देन आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो फिर आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आपके पास जीएनएम है तो फिर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी होगा, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मार्क्स की बात कर लेते तो 40% मार्क्स चाहिए एसटी एससी कैटेगरी को, ठीक है, और 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, उसके अंदर हाइट होनी चाहिए आपकी 150 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 40 kg, ठीक है, मेल का, और होना चाहिए कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा चलेगा, ठीक है, फीमेल का होना चाहिए 35 kg मिनिमम, अगर इससे कम है तो फिर नहीं चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, पहले होगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम, ठीक है। बात कर लेते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर रिटर्न एग्जामिनेशन, पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। द मिनिमम क्वालिफाइड मार्क इन द रिटर्न टेस्ट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन 50% स्कोर, ठीक है, 50% स्कोर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो टेस्ट होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे जो एप्लीकेशन फ़ीस की मैं बात करूं तो फ़ीस होगी 250 रुपीज़, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस होगी ये जनरल और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए फ्री होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लास्ट में आपको बताऊँगा, हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेल वेबसाइट, यानी कि आप सेल वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, www.sail.co.in करियर विथ सेल, नो अदर मीन मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है।
चलिए देखिए, आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाओगे देन आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आप चले जाइए, वहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वगैरह सारी उसके अंदर मिल जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे पर्सनली व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर मैंने उसमें डाल दिए हैं, देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, क्लोजिंग डेट देखिए, इसमें क्लोजिंग वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन 26 तारीख तक, यानी कि 26 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करें। ओके, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। खुश रहो, खुश रखो। बाय फ्रेंड्स।